हाय स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स। ऑर्बिटल कैसे फिल करते हैं एटम में, तो इसके तीन रूल है ऑफ्फो, हंस एंड पॉली। तो पहले हम ऑफ्फो पढ़ लेते हैं आज। तो ऑफ्फो में क्या है, जो हमने किया भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इस तरीके से, है ना। जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी उसको पहले भरा जाएगा, जैसे 1s की कम एनर्जी होती है तो उसको हम पहले भरेंगे। अब मैं वो भी बताऊँगी कैसे 1s की कम है, 2s की ज़्यादा है। तो पहले क्या है ऑफ्फो, ये पढ़ लेते हैं। वर्ड ऑफ्फो इन जर्मन मीन्स, जर्मन में क्या मतलब है इसका, बिल्डिंग अप, बिल्ड करना। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स द फिलिंग ऑफ, बिल्डिंग अप का क्या मतलब है, उसके इलेक्ट्रॉन को फिल करना ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन से। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स में द ऑर्बिटल ऑफ फिलिंग ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले कम, फिर पहले कम वाले को, फिर बड़े वाले को, फिर बड़े वाले को, इस तरीके से फिल किया जाएगा। अदर वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जाएंगे और फिर हम उसमें आगे एंट्री उसको करते जाएंगे हायर में। तो यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है ये किस तरीके से इसका है, कैसे फिल करते हैं इसको। अब यहाँ पे एक रूल है n प्लस एल रूल। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम बोलते हैं n प्लस एल रूल, 1s है, 2s है, तो हम क्यों 1s को पहले भरते हैं, 2s को बाद में भरते हैं, उसका n प्लस एल रूल है। n प्लस एल रूल, n शेल, l सब शेल, n ये, l ये, और s क्या होता है, ज़ीरो, है ना। तो 1 प्लस ज़ीरो तो क्या हुआ, 1। 2s का क्या होगा, 2 प्लस ज़ीरो तो क्या है, 2। तो उसका नंबर ज़्यादा है 2s का, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसलिए हम इसको पहले भरेंगे। अब एक चीज़ होती है 3d 4s, इसको हम बाद में भरते हैं, इसको पहले भरते हैं, वो क्यों होता है, जबकि इसको तो बाद में भरना चाहिए। अब देखो इसकी एनर्जी निकालते हैं n प्लस n रूल से। n प्लस 3 प्लस डी क्या है, डी यहाँ पे आ गया 3, सॉरी एस पी डी एफ 2, 0 1 2 3 2 है तो कितना आ जाएगा 5, 4 प्लस 0 4। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको पहले बाद में भरते हैं, इसको पहले भर देते हैं, जबकि पहले इसका ऑर्बिटल आता है, मगर इसको हम पहले बाद में भरेंगे, इसको पहले भरेंगे। ये होता है n प्लस एल रूल। मगर अगर ऐसा कभी हो जाए कि दोनों को प्रेस करके सेम आए, तो हम उसमें क्या करेंगे, देखेंगे n किसका बड़ा है, अगर जिसका n बड़ा है उसको बाद में भरेंगे। तो ये हो गया ऑफ्फो प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन को हमें उस तरीके से भरना है कि सबसे पहले कम जिसकी एनर्जी होगी उसको हम पहले फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे और वो हमेशा अपोजिट स्पिन में होंगे। इसका एक और भी है कि 4 के 4 क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। अगर 3 सेम भी हो गए, जैसे एन एम, एन एल एम जो भी है और एस है, 3 अगर सेम भी हो गए तो 4th की स्पिन तो चेंज होगी दोनों की। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दो पॉइंट्स बोलता है, पॉली ने दिया हुआ है कि एक तो ऑर्बिटल, जैसे ये ऑर्बिटल है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ही फिल होंगे, नहीं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो दूसरा इसने ये बोला हुआ है कि 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसने क्या कहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंगली फिल्ड करोगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर बता दूँ, जैसे ये भरा हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2px 2py 2pz जैसे होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 होता है, 1s 2 2s 2 2p कितना बचेगा, 2p में मैक्सिमम 6 आते हैं, तो 4 हो गए, 5 6 7 3 3 4 5 6 7 इसको मैं भरूँ। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, s में एक ही ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मगर हम भरेंगे इसको अपोजिट स्पिन से, मगर पहले एक फिर दूसरा, यहाँ पे पहले एक फिर दूसरा। अब यहाँ 3 है तो पहले सिंगली भरेंगे, एक एक एक, तो ये बोलता है हंस रूल कि पहले आप सिंगली भरो, तो जो बच जाए फिर उसको पेयरिंग करो। जैसे मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ 10 है, तो 10 का 1s 2 2s 2 2p कितना होगा, 6 6 7 8 9 10 6, तो इसको हम भरूँ तो कितना हो जाएगा, देखो हंस रूल लगा रहे हैं हम लोग, पहले सिंगली फिर दूसरा वाला, पहले सिंगली फिर दूसरा वाला, तो यहाँ 6 है, पहले सिंगली 3 हो गए, तो कितने बच गए, 3, तो फिर दूसरे वाले ऐसे। तो ये होता है हंस रूल।